ओ भाई उठो उठो, देखो हाथ में मुझे लग रहा है उन दीदी को शोल्डर में लगी, इन्होंने सीधा ब्रेक नहीं मारी, सीधा मेरे ख्याल से मडगार्ड के साथ टच हुए। इस अंकल को छोड़ते हैं मैकेनिक की शॉप पे फटाफट, क्योंकि अंकल बोल रहे हैं ना मेरी क्लच प्लेटें जल गई हैं। तो भाई सुबह सुबह सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजा डीसी। तो गाइस ये लगा हुआ अपना घोड़ा और वो पीछे अपनी आरसी लगी हुई है। तो आज भी मैं RR 310 को ही लेके जाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत कम व्लॉग मैं RR 310 पे करता हूँ और कुछ ही दिनों में इसकी TFT भी लग जाएगी, तो फिर हम इसको करा देंगे मॉडिफाई। अभी आपको ये रेड दिखती है तो उसके बाद आपको ये कुछ और दिखेगी, क्योंकि V3 बोस ने सोचा हुआ है इसको क्या बनाना हुआ है। देखो आज मैंने दोनों बाइक ना वॉश की है, सॉरी दोनों नहीं की, सिर्फ वो वाली की है जो ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो आज की राइड भी हम RR पे करने वाले, क्योंकि बहुत बंदे कहते हैं कि भाई आप RR पे बहुत कम व्लॉग करते हो। तो भाई ये देखो RR की एक लाइट हमने बंद करवाई हुई है, मतलब इसकी एक प्रोजेक्टर की इतनी ज्यादा लाइट है जितनी RC की दो प्रोजेक्टर की भी नहीं है। और RC के आगे आपको पता है मैंने जैसे वो विंडशील्ड लगाई हुई है, मतलब टोटल भी लाइट नहीं दिखती है, तो रात को बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आते टाइम, बट ये लाइट बहुत वार्म देती है RR। तो आज की राइड भी हम RR पे करने वाले। आज हम सोच रहे कि हम थोड़ा कहीं और राइड करने जाएंगे, बट देखते हैं आज का प्लान कैसे रहने वाला है। तो RR को पकड़ते हैं तो निकलते हैं, निकल रहे हैं ब्लॉग के लिए। अभी कुछ सब्सक्राइबर बाय हुए थे, ये भी मिले हैं बड़ी ब्राह्मणा से। ओके भाई, तो ये अपनी RR 310, ये अपनी R1 और ये अपनी S2। तो ये नवाब शहदाब और ये अपने V3 बोस। गाइस आ गया रईस भी, तो ये रही मेरी बाइक और ये V3 बोस, आगे शहदाब जा रहा है। भाई क्या रेस लगी हुई है इनके साथ मेरी यार, V3 बोस सबसे आगे चल रहे हैं। आपको पता V3 बोस की बाइक में ना ब्रेक्स भी नहीं है, वो देखो उड़ उड़ के बाइक चला रहा है यार। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ओ ये मरेगा यार, तू मत कर ऐसा यार। भाई इसको कुछ अकल दिया करो यार। चलो गाइस शहदाब को पीछे करते हैं। अभी इंतजार निकल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं गुमट। तो अभी गुल्लू भाई का सीधा कॉल आया, वो बोल रहा है कि भाई जो आपने रैप मंगाया था RR के लिए वो रैप आ गया, तो एक बार आके ना आप देख लो। तो V3 बोस का ना शॉकर भी लीक हो रहा है बाइक का, तो ये बोल रहा है मैं अपनी बाइक नहीं लेके जाऊंगा। ये देखो इधर से शॉकर सीधा लीक हो रहा है, सीधा डिस्क में जा रहा है और बिल्कुल भी ब्रेक नहीं बजी। और ये बंदा पता नहीं बाइक रोकते कैसे हो, फिर आप बोलते हो कि मेरी बाइक को टार्जन बोलता, सही में टार्जन खुद रुक जाती है और खुद ही चलने स्टार्ट हो जाती है। तो भाई हालत देख रहे हो V3 बोस की बाइक की, मतलब क्या बोलूं यार। तो गाइस मैंने सोचा था कि अभी हम सिद्रा में राइड करेंगे, पर यार गुल्लू भाई का भी अर्जेंट कॉल आ गया, क्योंकि उनको मैंने बोला था कि भाई जैसे रैप आएगा ना पहले आप ना मेरे रैप दिखा देना, क्योंकि भाई ऐसी बाइक बनानी है ना कि जैसे सब आप खुश हो गए थे 390 को देख के, ऐसे आप आ रहा 310 को भी देख के होने चाहिए। और सच बोलूं मेरा कोई मूड नहीं था, जो बंदे कमेंट्स वगैरह करते हैं ना, और ये बंदा व्लॉग थोड़ी करने देता है, बस रेस रेस। चलो बाद में बात करते, पहले V3 बोस को पीछे करते हैं यार। ये बंदा बहुत सही R15 चलाता है यार, V3 बोस का मैं भी फैन हो गया। वो देखो RS वाला सबसे आगे निकल गया। गाइस आज ना इनको ना हम लीन पे ना पीछे करने वाले हैं, ठीक है। आज देखते हैं V3 बोस कितनी बाइक बैंड करेंगे और हम V3 बोस के साथ साथ रहेंगे। चलो भाई करो 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 बैंड करो। ये पता नहीं क्या पंगे करता रहता है बाइक के साथ यार। चलो भाई आपके V3 बोस के साथ आज रेस हो गई, RR 310 वर्सेस R15। भाई मैं आगे इसलिए नहीं निकलता हूँ कि यार फिर आप ना बोर होते हो, इसलिए मैं ना इनको ही आगे निकलने देता हूँ कि ये ना आप बोर ना हो जाओ यार। ओ भाई क्या हो गया भाई, साइड लगाना। उठो 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 उठो, बाइक साइड करना मेरी। पीछे से आप उधर देख रहे थे ना, पीछे बजे। उठो दीदी कुछ नहीं हुआ, साइड हो जाओ। उठो 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 उठो, आप पीछे देख रहे थे। पता नहीं यार ये कहाँ देख रहे थे, इनकी ब्रेक ही नहीं है स्कूटी की यार, इनकी स्कूटी की ब्रेक ही नहीं है, इनकी ब्रेक ही नहीं है स्कूटी की आगे बिल्कुल भी यार। ये देखना ब्रेक है ही नहीं स्कूटी की, उनको लगी शाही से यार। तू छोड़ दे हम आपको, ये मोबाइल डाल लो। कहाँ तक जाना आपने, पानी है? पानी तो नहीं है, कुछ पानी होगा पानी।
पानी दे यार, इनको दे पहले पानी। ओ यार पानी देना, पानी दे यार, कुछ नहीं हुआ यार, ये देख ही नहीं रहे थे यार बिल्कुल भी। ये देखना यार भाई को तो नहीं कुछ हुआ यार, भाई को छोड़, इनको भी ये मत किए हैं पीछे आए भाई को। हाँ यार वो टच हो गए ना, इनकी ब्रेक भी नहीं स्कूटी के आगे बिल्कुल भी यार। ये देख हेलमेट भी नहीं ना पहना हुआ था यार, वो उनको लगी यार, थोड़ी सी लगी है यार। हाँ हाँ यार बाइक के साथ थोड़ा टच हो गया यार, स्कूटी छोड़ देते हम, स्कूटी छोड़ देते हैं कोई बात नहीं। दीदी कोई बात नहीं, हम स्कूटी छोड़ देंगे यार, आप टेंशन लो। पता क्या हुआ, ये मेरे ख्याल से सीधा आ रहे थे, उन्होंने ब्रेक ही नहीं मारी, तो सीधा मेरी बाइक के टायर, आप गाड़ी में बैठ जाओ, स्कूटी छोड़ देंगे आप कोई बात नहीं। गंदा वाला क्रैश हो गया यार, लगी पता नहीं उनको शायद से दीदी को हाथ में, मुझे लग रहा है उन दीदी को शोल्डर में लगी है। बट ये देखो ना ब्रेक स्कूटी के है नहीं, तो रुकती भी कैसे यार। और ऊपर से आपको पता है इन दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहना था, दीदी ने यार हेलमेट पहना होता ना बंदा सेफ हो जाता है यार। अभी पुलिस वाले सर अपनी गाड़ी लेके आए हैं, वो बोलते हैं मैं इनको छोड़ देता हूँ ख्याल से ना। ये देखो यार इन्होंने सीधा ब्रेक नहीं मारी, सीधा मेरे ख्याल से मडगार्ड के साथ टच हुए तो गिर गया। मेरे को भी जोर से झटका बजा था यार। जाओ वहाँ पे बैठ जाओ, उनको लगी यार। बाद में ले देना कोई बात नहीं यार, सर के साथ बैठ जाओ। दीदी अगर आप चलाने बताओ, हम चला लेते कोई बात नहीं। आप बात तो ठीक है ना दीदी, आप बैठ जाओ वहाँ पे। थोड़ी ना इसको हिलाते रहो बाजू को, मूवमेंट होती रहेगी ना। अब हम बैठ जाओ कोई बात नहीं, चला लोगे दीदी आप? हाँ स्कूटी तो ठीक है बट उसकी ब्रेक बिल्कुल भी नहीं है, आपने हेलमेट भी नहीं डाली हुई है। हेलमेट डालनी चाहिए थी आपको ना, कुछ भी नहीं, दोनों ने नहीं डाली थी वो। कोई बात नहीं भैया कोई बात नहीं। ओ यार ये तगड़ा वाला सीन हो गया यार, अभी ये सर इनको छोड़ देंगे आगे तक। हेलमेट डाल लो यार, अपने लिए सेफ्टी होती है यार। अभी गाइस शुक्र है पीछे कोई भी नहीं था, मतलब जब ये दीदी का क्रैश हुआ, अगर पीछे कोई तेज गाड़ी होती ना तो भाई कुछ भी हो सकता था यार। ये बजी थी इधर तो वहाँ पे। हेलो हेलो कैसे भाई? ओके सर। और भाई कैसे हो? ठीक हो? बस ठीक, बस ठीक यार। और कहाँ घूम रहे हो? थैंक यू यार, थैंक यू भाई। क्या क्रैश हुआ अभी दीदी का यार, मतलब यार बहुत बुरा लगा। उनकी भी कोई गलती नहीं थी यार, ब्रेक ना बिल्कुल भी नहीं बज रही थी यार, टोटल ब्रेक। क्यों यार? बट यार उनकी भी कोई गलती, ब्रेक ही नहीं थी स्कूटी को यार। गाइस सच में यार बहुत बुरा लग रहा है यार, मतलब जब दीदी गिरे ना यार, मतलब क्या बोलू यार। और वो भी ना एकदम से गिर गए, क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल से वो ना मेरे पीछे थे, तो उनसे ना कहीं ब्रेक नहीं बजी। ऊपर से सबसे बड़ी गलती इनकी ये है कि इन्होंने हेलमेट वेयर नहीं किया हुआ था। हेलमेट अगर वेयर किया होता ना तो ज़्यादा नहीं लगती मेरे ख्याल से ना, दीदी के शोल्डर पे ना थोड़ी ज़्यादा लगी, और सर पे भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी लगी होगी बट पता नहीं, बट शोल्डर पे ना उनको थोड़ी ज़्यादा लगी यार। ये देखो कैसे पोल्यूशन मार रहा बंदा, उफ। इन गाड़ियों का पोल्यूशन कटना चाहिए यार, देख रहे हो पोल्यूशन? ओ भाई सुपर बाइक। अच्छी बात यह है कि भाई स्पीड दीदी की कम से कम स्लो थी, काफ़ी स्लो थी यार, तो अगर थोड़ी ज़्यादा स्पीड होती ना भाई कुछ भी हो सकता था। और सबसे बड़ी बात कि पीछे ना कोई गाड़ी नहीं आ रही थी यार, तो अगर कोई गाड़ी आ रही होती ना तो यार थोड़ा सीन हो जाता, बट कुछ भी नहीं हुआ, नॉर्मल थोड़ी लगी। बाद में पुलिस वाले सर ने ना उनकी हेल्प की, वो मेरे ख्याल से उनको ड्रॉप करके आए थार में पुलिस वाले सर, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया यार। और यार भैया भी यही बोल रहे थे कि इनको ना हेलमेट वेयर करना चाहिए था, हेलमेट दोनों ने भी नहीं वेयर किया था, और ब्रेक टोटली नहीं थी यार। मैंने जब देखा ना स्कूटी उनकी पकड़ी, मेरी बाइक को भी थोड़ी सी स्क्रैच लगी है, बट यार कोई बात नहीं, बाइक तो ठीक हो जाती है, बट जो लगती है ना यार उससे क्या थोड़ा दर्द होती है यार। बाइक का कोई सीन नहीं, मैंने दीदी को बोला मैं बाइक की आप टेंशन नहीं लो यार, बाइक की छोड़ो आप ठीक हो ना यार। सबसे बड़ी बात है कि उनको ज़्यादा लगी नहीं और स्पीड कम थी, तो ठीक है यार। मेरे को भी समझ नहीं, मतलब अचानक से पीछे से वो आए तो उन्होंने हिट कर दिया मेरी बाइक को और गिर भी खुद ही गए यार। बाकी चलो यार ठीक है, सेफ थे, चले गए। गाइस पहुंच गए हम गुल्लू भैया के पास, ये देखो शॉप दिख रही होगी आपको, तो
तो ना मैं रैप देखाता हूँ, अगर आपको बताऊंगा ना तो आपको भी पता चल जाएगा कि भाई को क्या होने वाला है। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा यार, अभी ना आप वेट करो। थ्री बॉस रैप देखा है तो आप बताओ कैसा था? ठीक है, अभी दो चार हैं। दो चार आए हैं, मतलब उसको डिसाइड कर लेंगे। चलो ठीक है, अभी थ्री बॉस देखा है, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ना रैप दिखा दूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं राइड करने के लिए। बुरा लगा आपको? मैं भी यही बोल रहा था यार, स्कूटी वाले दीदियों का मना काफी बुरा लगा। थ्री बॉस भी यही सेम चीज बोल रहे हैं यार। बट यार उन दोनों ने हेलमेट पहना ही नहीं था। हाँ मैं भी यही बोल रहा हूँ कि स्पीड बहुत कम थी यार, ये सही बात है कि स्पीड थोड़ी ज्यादा होती ना ज्यादा लग सकती थी। बस कैसे हो भाई, ठीक हो? ओ भाई लग रहा है कि एक्सीडेंट हो गया यार। क्या हुआ यहाँ पे? हाँ हाँ व्लॉग बना रहे भाई। ओके भाई, भाई सुबह सुबह सुबह। ओके ब्रो, ठीक है। भाई ने पता नहीं कुछ नाम बोला, मेरे को सुनाई तो नहीं दिया। अगर आपको सुनाई दिया होगा तो यार देख लेना जाके इंस्टा पे। तो अपनी मम्मा के साथ जा रहे थे कहीं पे, तो पीछे मेरे ख्याल से एक्सीडेंट हो गया हुआ था, काफ़ी गाड़ी वगैरह लगी हुई थी। आज हमारे साथ पहले और बाइक्स थे, बाकी बंदे पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं यार। आगे ट्रैफिक वाले भी खड़े हुए हैं और रश बहुत ज़्यादा भयंकर आज। गाइस कुछ काम था सिटी में तो वो हो गया, अभी हम थोड़े इधर रुके हुए थे। तो काम के राइड के साथ साथ ना काम भी हो जाता है। तो रही इसका GoPro हैंग हो गया हुआ है। GoPro हैंग हो गया है? क्यों लेते हो 10 8 8 होता है, 10 ले लेते हैं, हैंग ही हो जाए। मेरा आज तक कभी GoPro ही नहीं हैंग हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं RS चलाऊँ, बट मैं सोचा अगर मैं RS चलाऊँगा ना तो ये मेरी RR चलाएंगे, तो अगर इन्होंने मेरी RR चलाई तो कहीं ठोक भी सकते हैं। तो अपने हाथ से अपनी बाइक ठुकती है ना तो इतना गम नहीं होता है, दोस्तों से ठुकती है तो फिर थोड़ा सा गम रह जाता है। अब मैं सोच रहा हूँ इधर से निकलते हैं सिदरा वाली साइड, तो सिदरा करेंगे राइड। चलें, रेस करेगा? हमारा हुआ चल रहा है 10 की। तो यार कुछ काम था ना, कुछ काम भी तो करना होता है। अब 24 घंटे रेस ही करता रहूं? गाइस कुछ काम बोला था घर वालों ने, वो फटाफट करके आया हूँ। तो अब उसके बाद मैंने बोला राइड करेंगे, सोचते हैं कि बस 24 घंटे अंकुर रेस के मूड में रहे तो बस रेस ही रेस होती रहे। तो अब काम फिनिश हो गया, तो अब इसके साथ सिदरा पूरी रेस होने वाली है। तो चले चलो बोरा मेरा मुकाबला कर, चला भगा। गाइस एक हीरो बनते हैं RS लेके, और ये नहीं पता कि हमने RS ला के छोड़ दी हुई है। तो मैं तो इसलिए पीछे चलता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी होती है, और जब मैंने GoPro ना लगाया होता है तब इनमें से कोई भी आगे नहीं आता है। क्या हुआ? तेल तो नहीं खत्म हुआ? हरियाणा नंबर बाइक है गाइस, गैंगस्टर। क्या हुआ अंकल, गियर लगाओ जरा। लगाया हुआ गियर में ही है इस टाइम भाई, कोई और गियर लगा के देखो। ये चौथा गियर लगा, वायर में प्रॉब्लम होगी, वायर में क्लच प्रॉब्लम होगी यार। क्लच प्लेटों से तो फिर भी थोड़ी बाइक चलती है। इधर है शॉप होगी आगे, इधर आगे जो नट फिट होते हैं ना गैराज के अंदर। हां जी हां जी, साइड हो जाओ, तुम उड़ जाएगा। उड़ गया, बैठो बैठो बैठो। आप आगे तक, हम आगे मैकेनिक की शॉप है, आगे तक छोड़ देते जितना हमसे हो सकता है अंकल, डोंट वरी। गाइस ये देखो रेस का टायर देख रहे हो, इसको ट्रैक टायर बोलते हैं। देखो ग्रिप है ही नहीं है, बट फिर भी पता नहीं कैसे चलाता है ये इंसान यार, मतलब बिग फैन। और ये देखो इसके तो दोनों टायर नए हैं, और RR को मैंने कम से कम 13-14 हज़ार चला लिया, तो अभी तक इसके थोड़ी सी भी ग्रिप कम नहीं हुई यार। देखो एकदम ब्रांड न्यू टायर है, अगला भी देख लो एकदम ब्रांड न्यू टायर है। मतलब ये बाइक को मैं इतना कम चलाता हूँ, मैं इतना कम चला क्योंकि ये ना मेरी ड्रीम बाइक थी, तो मेरे को नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी उसको परचेज कर पाऊंगा। बट यार सच में बहुत जल्दी परचेज कर लिया, बट और जो ड्रीम बाइक है उनको भी जल्दी करेंगे। कोई बात नहीं अंकल, चलो जितनी हेल्प हो सकती है उतनी करेंगे। चलो जान दो गड्डी अंकल, बाद में है ना हमें कंबल दे देना, ठीक है? ठंड लग रही है हमें, जो कंबल मुझे अच्छा लगेगा वो दे देना। अरे नहीं यार कोई बात नहीं, थैंक यू। तो गाइस अंकल को छोड़ते हैं मैकेनिक की शॉप पे फटाफट, क्योंकि अंकल बोल रहे हैं ना मेरी क्लच प्लेटें जल गई हैं। तो अगर मैं गियर भी लगा रहा हूँ फिर भी बाइक नहीं चल रही है, तो पता नहीं क्या सीन। और ये वाली जो बाइकें होती है ना ग्लैमर हीरो होंडा, मतलब ये बाइक इंसान को कभी धोखा दे ही नहीं सकती, और तेल के मामले में तो कभी भी नहीं। अगर अंकल अकेले होते ना, अंकल ने आराम से लेके चले जाना था, बट अभी अंकल के साथ आप सामान भी देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सामान भी है यार। तो जितनी हेल्प हो सकती है ना यार उतनी कर दिया करो, क्योंकि यार कभी कभी ना ऐसी प्रॉब्लम अपने ऊपर भी आ सकती है यार। अगर हम किसी की हेल्प करेंगे ना तो क्या पता कभी कोई हमारी भी कर दे यार। तो बाकी चलो कोई बनी, हमारे साथ तो मतलब दोस्त वगैरह होते ही हैं कि धक्का शक्का लगा दे। अंकल अभी अकेले थे तो हमने बाइक साइड पे रोकी, पहले पूछ लेते हैं यार, मैं मत अंकल खुद ही रुके हो यहाँ पे, तो इसलिए अभी पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया था तो पेट्रोल डलवाने आया हूँ। आज ना मेरे को RR में ना 2 बारी पेट्रोल फिल करना पड़ा यार, शुक्रिया। हो गए
मुझे लग रहा था कि मेरी बाइक का ना तेल खत्म होने वाला है, तो मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, तो मैंने पहले ही डलवा लिया क्योंकि मीटर पे तो शो होता नहीं है। नेक्स्ट वीक तक TFT लग जाएगी, फिर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई यार जब तेल खत्म होता है ना इंसान बहुत खचल होता है, ऊपर से इतनी भारी बाइक है ना, ये अकेले बंदे से खींची भी नहीं जाती है। फिर गए शाम हो गई है, आज मेरे को ना शाम यहीं पे होगी है, तो मैं यहीं पे आज ब्लॉग खत्म कर देता हूँ। तो आज की राइड आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बाकी यार उन दीदी का एक्सीडेंट भी हो गया था यार, तो चलो बट वो भी सेफ ही थे और ट्रक वाले भैया। तो बाकी गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।